हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस सो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नेम है स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन चल रहा है जिसका एक लेक्चर हो चुका है आज इसका नंबर लेक्चर नंबर सेकेंड है और आज हम इसमें इसके फर्दर टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की टू बुक्स लगी हुई हैं जिसके फर्स्ट बुक के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और ये सेकेंड बुक जिसका नेम है मैकेनिक्स उसके लेक्चर्स चल रहे हैं अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं या आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर देखना है किसी चैप्टर पर तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं सो so, इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे आप चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए इसका प्रीवियस का लेक्चर जिसमें हमने कैटेनरी पढ़ा था और कैटेनरी से रिलेटेड दो इक्वेशंस पढ़ी थी कैटेनरी की इंटरेस्क इक्वेशन और कैटेनरी की कार्टिशन इक्वेशन पढ़ी थी और कैटेनरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक्सेस वर्टेक्स पैरामीटर्स डायरेक्ट्रिक्स स्पैन एंड सेक इन सब के बारे में पढ़ा था मैंने बताया था इस चैप्टर में सिक्स रिलेशन्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन हैं सिक्स रिलेशन इस चैप्टर में हैं जिनके बेसिस पर आपके क्वेश्चन हैं तो वो रिलेशन्स आपको पता होने चाहिए सो so, उसमें मैंने थ्री रिलेशन्स आपको अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स करा कराए थे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एस रिलेशन बिटवीन वाई एंड एस एंड रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई तो तीन रिलेशन मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कवर किए थे और आज हम इसके आगे के थ्री लेक थ्री रिलेशन्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे सो so, करते हैं स्टार्ट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फोर्थ वाला रिलेशन लेते हैं जो रिलेशन है एक्स और साई के बीच में ठीक है सो so, ये फोर्थ रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड आई तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हमें इसमें एक चीज लेकर चलनी है वी हैव डी एक्स ओवर डी एस इक्वल्स टू कॉस साई ये फॉर्मूला होता है मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में एक और बताया था वो बताया था डी वाई ओवर डी एस डी वाई ओवर डी एस होता है साइन साई के इक्वल बट डी एक्स ओवर डी एस किसके इक्वल होता है कॉस साई के ये आपको ध्यान रखना है और इसी को लेकर चलना है अब क्या करते हैं हम डी एक्स ओवर डी एस में इस तरह से लिखा है डी एक्स ओवर डी एस तो हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी साई डी एक्स अपॉन डी को हम पहले ये लिखना है इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें डी एस की मल्टीप्लाई डी एस की डिवाइड कराने पर हमको ये मिलेगा किस तरह से डी एक्स ओवर डी साई था क्योंकि हमें एक्स और साई के बीच में रिलेशन बनाना है इसलिए हमने क्या लिखा है डी एक्स ओवर डी साई डी एक्स ओवर डी में डी एस की मल्टीप्लाई एंड डी एस की डिवाइड करा दी है तो इस तरह से डी एक्स के साथ डी एस लिख दिया है अपॉन वाला और मल्टीप्लाई वाला डी एस डी लिख दिया है इस तरह से हमने इसलिए लिखा है डी एक्स अपॉन डी एस बनाएगा कॉस साई जो कि मैं आपको भी ऊपर बता चुकी हूँ और डी एस अपॉन डी साई बनाएगा सेक स्क्वायर साई कैसे बनाएगा डी एस अपॉन डी साई ने सेक स्क्वायर साई कैसे बनाया बल्कि सेक्स स्क्वायर यानी सी सेक स्क्वायर साई कैसे बनाया मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ फिर से आपको बता रही हूँ जो इंटेसिक इक्वेशन होती है कैटेनरी की वो होती है एस सी टेन साई ये होती है इंटेसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी तो जब हम इसका साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करते हैं तो डी एस ओवर डी साई इक्वल्स टू सी टेन साई का डिफ्रेंसीशन सेक स्क्वायर साई तो जब हमने इसका डिफ्रेंसीशन करते हैं तो यह मिला डी एस ओवर डी सी की वैल्यू सी सेक्क स्क्वायर साई तो यहाँ पर मैंने डी एस ओवर डी सी की वैल्यू क्या लिखी है सी सेक्स स्क्वायर आई ठीक है इतना क्लियर है उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करते हैं डी एक्स ओवर डी सी की वैल्यू हम फाइन करना चाह रहे हैं क्या आइए कॉस आई सी सेक्क स्क्वायर साई तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कॉसाई सी सेक्स स्क्वायर आई को क्या लिख सकती हूँ कॉस आई स... कॉस नहीं सेक्स आई अपॉन कॉस् si. कैसे लिखा मैंने सेक स्क्वायर का मतलब क्या है एक सेक को तो मैंने एज इट इज लिख दिया है सेक स्क्वायर का मतलब है दो बार सेक एक सेक को मैंने एज इट इज लिख दिया है सेक साई और एक सेक को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया है वन अपॉन कॉस साई क्योंकि सेक का जो उल्टा होता है वो कॉस होता है या कह सकते हैं कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक हो सकता है तो हम यह लिखते हैं इसको वन अपॉन कॉस साई कॉस साई से कॉस्ट साई कैंसिल डी एक्स और डी साई की जो वैल्यू आई है वो आई है सी सेक्स आई ठीक है अब डी एक्स को हमने एजेट इज रखा सी सेक्स आई को भी हमने एजेट इज रखा डी साई को हम इधर ले गए डिवाइड में था कहाँ ले गए मल्टीप्लाई में ये हो गया अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू साई साई के रिस्पेक्ट में या हम कह सकते हैं अलग अलग इधर साई के में इधर एक्स के में कर लिया है तो लिख दिया है हमने यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन करने सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई सेक साई का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई ये इसका इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन में आपको पता है एक अटैच होता है के सो so, ये हम फाइंड कर चुके हैं बट अब यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फ़ाइंड करनी है और कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फ़ाइंड करते हैं ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ दोबारा कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं एट द लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे हम पूरी क्वेश्चन को ले लेते हैं लोएस्ट पॉइंट की जब लेते हैं एक क्वेश्चन पर तो एक्स इक्वल्स टू जीरो रखते हैं एंड साई भी इक्वल्स टू जीरो रखते हैं लोएस्ट पॉइंट पे एक्स भी जीरो रखते हैं और एंगल भी जीरो रखते हैं साई भी जीरो रखते हैं तो so, इस पूरी क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे सी एंड साई के प्लेस पर भी हम जीरो पुट करेंगे सेक ज़ीरो प्लस टेन जीरो इस तरह से हमने यहाँ पर रख दिया है प्लस के के की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है जीरो इक्वल्स टू सी एज इट इज लॉक एज इट इज सेक्स जीरो की वैल्यू होती है वन ठीक है सेक्स जीरो टेग्नोमेट्रिक टेबल से सेक्स जीरो की वैल्यू वन एंड टेन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो प्लस के ठीक है अब ज़ीरो इक्व टू सी लॉग वन हुआ कितना हुआ ये लॉग वन प्लस के लॉग वन की वैल्यू होती है ज़ीरो सो so, ये पूरा टर्म ज़ीरो के की वैल्यू आ गई जीरो क्योंकि जीरो की जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी ज़ीरो आएगा और अगर आपको नहीं पता तो साइड में लिख लीजिए लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है ठीक है इसी वजह से ये टर्म ज़ीरो हो गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई है जीरो तो यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइन कर ली है वो आई है ज़ीरो अब इसको इस इक्वेशन में अगेन जब रखेंगे तो के तो ज़ीरो हो ही जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू के सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई बचेगा सो so, ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है बिटवीन टू एक्स एंड साई एक्स इक्वल टू के सी लॉक्स एक्स आई प्लस टेन साई ये एक तरह से एक इक्वेशन बन गई है आप कह सकते हैं एक रिलेशन बन गया है या आप कह सकते हैं एक फॉर्मूला बन गया है इनका यूज़ हम अपनी क्वेश्चन में करेंगे इसलिए ये सिखाया है और कभी कभी एग्जाम में ये पूरा रिलेशन भी आ जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई तो आपको पता होगा तो आप पूरा कर सकते हैं ठीक है ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के इसी ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और बता रही हूँ इसको अच्छे से समझें अगर कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वो डाउट पे आपका क्लियर कर दूँगी इसके जो फर्दर रिले रिलेशन्स हैं नेक्स्ट टू रिलेशन्स हैं वो और भी ज़्यादा ईजी हैं और बहुत छोटे हैं सो बात करते हैं रिलेशन नंबर फिफ्थ की सो रिलेशन नंबर फिफ्थ में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट इट मीन्स अब जो हम रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे वो हम किसके बीच में सीखेंगे हम टेंशन और ऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे सो so, मैं आपको बता दूँ टेंशन का मतलब आपको पता है फिजिक्स में आप पढ़ कर आए होंगे बट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ टेंशन को आप यहाँ पर डिनोट करेंगे टी से किससे डिनोट करेंगे टी से और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई यहाँ पर वाई तो यानी कि समझने की बात यह है कि आपको यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन दिखाना है टी और वाई के बीच में मैं ये समझाना चाह रही हूँ जो आपको रिलेशन दिखाना है वो टी और वाई के बीच में दिखाना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन होती है जो फिक्स होती है जो आपको याद रखनी है टी नॉट टू टी कॉस्ट आई ये कहाँ से आई ये मत सोचिए बस आप ये याद रखिए ये आपको याद रखना है जब आपको रिलेशन फाइंड करने को आएगा टेंशन और ऑर्डिनेट के बीच में टी एंड वाई के बीच में तो आपको ये इक्वेशन लेकर चलनी है टी नॉट इक्वल टू क्या होता है टी कॉस साई और साथ ही साथ टी नॉट इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू सी टी नॉट इक्वल्स टू क्या तो होता है डब्ल्यू सी तो टी नॉट के प्लेस पर मैं यहाँ पर क्या रख देती हूँ डब्ल्यू सी इक्वल्स टू टी कॉस साई ठीक है मैंने ये लिख दिया है अब डब्लू सी एज इट इज टी एज इट इज कॉस आई को आप क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सेक्स आई क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सेक्स आई नेक्स्ट पेपर पे देखिए सेक जो है यहाँ पर डिवाइड में है तो यहां कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी सेक्स आई ये हो जाएगा टी इक्वल टू डब्ल्यू सी सेक्स आई और टी इक्वल्स टू डब्ल्यू एज इट इज वाई की वैल्यू होती है सी सेक्स आई तो सी सेक्स आई के प्लेस पर आ गया है डब्ल्यू वाई मतलब वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है सी सेक्स आई तो वाई यहाँ पर सी सेक्स आई के प्लेस में मैंने रख दिया वाई तो हमने ये रिलेशन फाइंड कर दिया है टी एंड वाई के बीच में ठीक है अच्छा ये वैल्यू कहाँ से होती है वाई कॉस टू सी सेक्स आई मैं आपको बता दूँ प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको रिलेशन नंबर थ्री कराया था तो उसमें बताया था वाई की वैल्यू होती है सी सेक्स आई या वाई की वैल्यू हमने फाइंड करके दिखाई थी जो थर्ड रिलेशन फाइंड किया था ना वो वाई और साई के बीच में ही किया था तो वहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिलती है सी सेक्स आई तो उसका यूज़ मैंने यहाँ पर किया है ठीक है लास्ट वन रिलेशन पढ़ते हैं रिलेशन नंबर सिक्स रिलेशन बिटवीन रो एंड साई रिलेशन बिटवीन रो एंड साई रो एंड साई साई तो आपको पता है कोई भी पॉइंट एंगल हो गया कैटनरी uh, पर बट रो uh, का मीन्स मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ बार बार एक ही बात बोल रही हूँ प्रीवियस लेक्चर काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है इससे तो आप पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें अगर आपने नहीं देखा है मैं आपको यही एडवाइस करूँगी तभी भी ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा सो रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कभी कभी इस रिलेशन को इस नेम से भी बोल देते हैं ये जो सिक्स रिलेशन है इसको इस नेम से भी बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानि कि रो रो को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ अ कैटेनरी एक कैटेनरी पर किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे ठीक है और उसको समझेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपको फिर अच्छे से वो समझ में आ जाएगा फिर कोई डाउट नहीं रहेगा सो so, सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलते हैं एस इक्व टू विद सी टेन साई सो ये होती है इंटेसिक इक्वेशन ऑफ अ कैटेनरी एस इक्व टू विद सी टेंई इज़ अ इंटेसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी जिसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अब मैं क्या कर रही हूँ इसका डिफरेंसीशन कर रही हूँ साई के रेस्पेक्ट में तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑन डिफरेंसीशन विद रेस्पेक्ट टू साई साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करने पर डी एस ओवर डी साई इज इक्वल्स टू सी एज इट इज बिकॉज सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म टेन साई का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक्स स्क्वायर साई और डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू होती है रो मतलब डी एस अपॉन डी साई को हम लिख सकते हैं रो सी सेक्स स्क्वायर साई तो हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर दिया है रो और साई के बीच में साइड में लिख लीजिए डी एस ओवर डी साई इज़ इक्वल टू रो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि रो आया कहाँ से तो साइड में ये चीज़ें लिख लीजिए कि क्या क्या टर्म होता है किससे क्या बना है डी एस ओवर डी साई इक्वल्स टू रो तो ये सिक्स रिलेशन थे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे अभी मैं क्वेश्चन कराऊँगी तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर इन रिलेशन का यूज़ हो रहा है सो so, आप क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के और समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में और किस तरह से होंगे ठीक है सो so, मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे होंगे वाले क्वेश्चन सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ अ कैटेनरी एक कैटेनरी है जिसकी किसी पॉइंट पी पर टेंशन कितनी है टी है एंड टू दैट एट द लोएस्ट पॉइंट ए और उसका एक लोएस्ट पॉइंट है ए तब आपको ये कंडीशन दिखानी है टी स्क्र माइनस टी नाट का स्क्वायर इक्वल्स टू कोई डब्लू स्क्वायर क्या है टी स्क्वायर माइनस टी नाट का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्लू स्क्वायर ये दिया हुआ है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वैसे तो मैं प्रीवियस वाले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ लोएस्ट पॉइंट क्या है और कैटेनरी क्या है बट मैं यहाँ पर डायग्राम का यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में बट मैं आपको बता देती हूँ कैटेनरी की शेप कुछ इस तरह से होती है और इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है ये जिसकी बात कर रहे हैं पॉइंट ए की ठीक है अगर वहाँ से कोई टेंजेंट जा रही है तो वो इस तरह से होगी कैटेनरी पर कोई टेंजेंट और ये बोल रहे हैं किस पॉइंट पर पी तो यहाँ जहाँ से टच कर रही है ये पॉइंट होगा पी तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से बना देते हैं बट मेन आपका यहाँ पर यही समझना है कि कोई टेंजेंट है इस पर जो टेंशन लग रही है पॉइंट पी पर और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ए वो रिलेशन एक क्रिएट करती है वो रिलेशन कितना है टी स्क्र माइनस थ्री नॉट का स्क्वायर क्वस टू डब्ल्यू स्क्वायर सो मैंने बोला था ना कि जो मैं रिलेशंस आपको बता रही हूँ इनका यूज़ होगा क्वेश्चंस में इसलिए आपको ये सिक्स जो रिलेशंस लिखवाए हैं इनके आपको याद होने चाहिए ये रिलेशंस ये जो रिलेशंस हैं ये 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 और ये जो प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने लिखवाए वो टोटल सिक्स लेक्चर इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए जिनका यूज़ आप क्वेश्चंस में करेंगे ठीक है लेट्स स्टार्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने प्रूफ को अगर ध्यान से देखें तो प्रूफ में आपको एक टी चाहिए और एक डब्लू चाहिए क्या चाहिए एक टी चाहिए एक डब्लू चाहिए तो हमने टी और डब्लू के बीच में रिलेशन पढ़ा था ये टी इक्वल्स टू के डब्लू वाई और एक और रिलेशन बताया था मैंने यहाँ पर टी नॉट भी है ठीक है टी चाहिए डब्ल्यू चाहिए टी नॉट चाहिए तो टी इक्वल्स टू ए डब्ल्यू वाई एक तो ये रिलेशन आपके माइंड में आएगा कि फिफ्थ वाले रिलेशन में हमने टी और वाई और डब्लू के बारे में पढ़ा था तो फिफ्थ रिलेशन का यूज़ होगा और साथ में यहाँ पर टी नॉट है तो टी फिफ्थ रिलेशन के अंदर ही मैंने बताया था टी नॉट की वैल्यू होती है डब्ल्यू सी तो इन दोनों रिलेशन का यू यूज़ करेंगे टी नॉट इक्वल्स टू के डब्ल्यू सी होता है इसको आप कंसिडर कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड टी इक्वल्स टू के डब्ल्यू वाई जो आपका फिफ्थ रिलेशन है इसको आप कंसिडर कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन इन दोनों के यूज से ही क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा अब मैं क्या करती हूँ मुझे दिख रहा है टी और टी नॉट स्क्वायर दोनों t और t नॉट है दोनों का स्क्वायर है और सब्ट्रैक्टिंग है सो so, मैं यहाँ पर ये यह करूंगी ऑन स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दूंगी सिंपल बिकॉज इन्होंने यहाँ पर प्रूफ में दिख रहा है ना मैं प्रूफ को देखकर काम कर रही हूँ कि दोनों को स्क्वायर करके माइनस करना है सो so, स्क्रिंग करी मैंने टी स्क्वायर एंड माइनस टी नॉट का स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर ठीक है आर एच एस आर एच एस की स्क्वायर करके माइनस सिमिलरली एल एच एस का स्क्वायर करके और उन दोनों को माइनस यानी कि डब्लू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डब्लू स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पे सिंपल मैथ हो रही है टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर एज इट इज आर एच एस वाले टर्म अब एज इट इज रहेंगे एल एच एस वाले टर्म एज इट इज़ रहेंगे आर एच एस को हम सॉल्व करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है डब्ल्यू स्क्वायर तो हम डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है अब बचता है टी नॉट का स्क्वायर टी टू टी स्क्वायर टी नो माइनस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एस स्क्वायर प्रीवियस वाले लेक्चर में कोई एक रिलेशन था ऐसा जिसमें था वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू एस स्क्वायर ठीक है देखिए यहाँ से निकलेगा सेकंड नंबर का रिलेशन जो था उसमें से वैल्यू निकलेगी वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर तो ये वहाँ से आ गया है ठीक है डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर अब इसको इस तरह से लिख लीजिए टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू एस का होल स्क्वायर पूरे पे हमने स्क्वायर ले लिया है अब ब जो डब्लू एस का स्क्वायर है वो क्या है वो है वेट ऑफ द आर्क ए पी यानी ये जो आर्क बनी है ना ये वाली छोटी वाली आर्क इसका यानी कि जो डब्लू है वो है वेट ऑफ द आर्क ए पी इस ए पी से यहाँ से यहाँ तक की लेके जो वेट है वो है तो इसको डब्लू एस के होल स्क्वायर को हम केवल और केवल क्या कंसिडर कर लेते हैं डब्लू का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्लू का स्क्वायर हैंस प्रूफ जो कि हमें को प्रूफ करना था सो so, इस तरह से ये क्वेश्चन होना था और हमने इसको कर लिया ठीक है तो आपने देखा ना कि कैसे इसमें रिलेशन यूज़ हुए खूब सारे यहाँ पे भी यूज़ हुआ यहाँ पे भी यूज़ हुआ यहाँ पे भी यूज़ हुआ, हाँ हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं सो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं शो डैट फॉर अ कॉमन कैटेरी एक्स इक्व टू सी लॉक वाई प्लस एस ओवर सी अब की बार हमको ये रिलेशन फाइंड करना है कॉमन कैटनरी के लिए सो so, इसको लेकर चलेंगे ठीक है और इसको समझते हैं सो so, आप ये देखिए आपके पास कोई ऐसा रिलेशन जिसमें आपने एक्स हो और और भी चीज़ें हो, so, तो एक रिलेशन होता है एक्स इक्व टू के सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई ये हमें लेकर चलना है ठीक है एक्स इक्व टू के सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई क्योंकि देखिए ना आप x और log इसमें आ रहा है और आप मैंने अभी आपको फोर्थ रिलेशन कराया था फोर्थ रिलेशन ही आपका बन रहा है x इक्व टू सी लॉग एक्स आई प्लस टेंस आई तो हमने इस क्वेश्चन में फोर्थ वाला रिलेशन का यूज़ किया है क्यों किया है कैसे पता चल रहा है कि हमें कौन सा रिलेशन यूज़ करना है अपने प्रूफ को देख कर अपने क्वेश्चन को देख ही आप पहचान पाएंगे कि कौन सा रिलेशन यूज़ करना है तो मैंने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स दिख रहा है और लॉग दिख रहा है सो फोर्थ वाला रिलेशन ऐसा था जिसमें एक्स और लॉग था तो उसका ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और साथ में एक हमें एक्स और लॉग मिल गया दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है एस क्या दिख रहा है एस तो एस क्या होता है एस इक्व टू के सी टेनस आई इंड्रेस इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी सो यहाँ से हम टेन साई si की वैल्यू निकाल सकते हैं टेन साई si कितना हो जाएगा एस बाय सी ठीक है ये लॉजिक होता है इन क्वेश्चंस को करने का कि आप क्वेश्चन को देखें अपने प्रूफ को देखें और उसके अकॉर्डिंग करें तो देखिए यहाँ से मुझे ये मिल गया फिर मैं देख रही हूँ यहाँ सेक्स आई साई के टर्म्स में नहीं है आंसर है वाई और एस और सी के टर्म्स में तो कैसे मिला मुझे एस इक्वस टू विनस आई टेन्स आई टेन की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाली तो कितना आएगा एस अपॉन सी सो यहाँ पर मैं टेन साई के प्लेस पर रख सकती हूँ एस अपॉन सी ठीक है ये हम रख सकते हैं एक रिलेशन और होता है एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है वाई इक्वस टू विक्स आई जो हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे वाई इक्वल्स टू वी सी सेक्स आई तो यहाँ से हम सेक्स आई की वैल्यू निकाल सकते हैं सेक्स आई हो जाएगा वाई अपॉन सी इस तरह से हमने फोर्थ वाले रिलेशन का यूज़ किया है और फिर दो और रिलेशन का यूज़ करके हमने वहाँ से टेंथ आई और सेक्स आई को कन्वर्ट कर लिया है एस सी वाई एस के टर्म्स में क्योंकि हमारे प्रूफ में वही है अब सिंपल अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेती हूँ सो मैं यहाँ लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन वन फर्स्ट इक्वेशन से एक्स एज इट इज सी एज इट इज लॉग एज इट इज अंदर जो सेक्स आई प्लस टेंस आई है उन टर्म्स के प्लेस पर हम वैल्यूज पुट करेंगे सेक्स आई के प्लेस पर वाई अपॉन सी पुट करेंगे प्लस टेंथ आई के प्लेस पर हम एस अपॉन सी पुट करेंगे जब हम सी की एल लेंगे c सी लॉग वाई प्लस एस अपॉन सी ध्यान से देखिए यही प्रूफ करना था सो so, ये कितने इजी क्वेश्चन हैं इसके बस इजी तब हैं जब आपको रिलेशन्स याद होंगे रिलेशन्स याद नहीं होंगे तो ये ईजी नहीं है तो रिलेशन्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन ही हैं आपके इस चैप्टर में जिसमें आपको रिलेशन्स का यूज़ करना है इसीलिए ही मैंने रिलेशन बताए थे और इन क्वेश्चंस को देख के आपको भी पता चल रहा होगा कि रिलेशन्स कितने इम्पॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में आपको रिलेशन्स का यूज़ करना है सो so, फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट थैंक यू फ्रेंड्स